नर्सिंग होम एक्ट के तहत गंभीर लापरवाही किए जाने के कारण आरोग्यम हॉस्पिटल का एक साल के लिए आयुष्मान योजना से इलाज करने कार्य को निरस्त कर दिया गया है। इस तरह से लापरवाही पाए जाने पर ट्विन सिटी के 4 अस्पतालों को भी नोटिस दी गई है। दुर्ग के कादम्बरी नगर स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से अस्पताल प्रबंधन द्वारा किए जा रहे खेल को खत्म कर दिया गया है। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से दुर्ग के आरोग्यम हॉस्पिटल द्वारा आयुष्मान योजना के द्वारा इलाज के नाम पर पीड़ित परिवारों से नकदी आहरण के साथ ही दुर्ग जिला नर्सिंग होम एक्ट नोडल अधिकारी अनिल शुक्ला को मिली शिकायतों पर टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई, जहां सभी शिकायतों को सही भी पाया गया। इसी कड़ी में दुर्ग जिला कलेक्टर रिचा प्रकाश चौधरी के द्वारा दुर्ग में संचालित आरोग्यम हॉस्पिटल में आयुष्मान से चल रहे इलाज सेवाओं को बंद करने हेतु राज्य शासन को पत्र भी भेजा गया था, जिसमें कार्रवाई करते हुए अब एक साल के लिए आरोग्यम हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से फर्जीवाड़ा कर इलाज करने की अनुमति निरस्त कर दी गई है। आपको बता दें, पूरा मामला बीते माह 5 अप्रैल से शुरू हुआ था, जहां एक 13 वर्षीय किशोरी की मौत, जो कि राजनांदगांव की निवासी थी, जहर खाने के बाद 10 दिन के इलाज के बाद आरोग्यम अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। इसकी जानकारी अस्पताल प्रबंधन द्वारा CMHO कार्यालय को पत्र प्रेषित न करने के साथ ही आयुष्मान कार्ड के नाम पर भारी फीस वसूल की जा रही थी और शिकायतें लगातार होने के बाद ये पूरी कार्रवाई की गई। इस तरह के मामले ट्विन सिटी के कई अस्पतालों में नर्सिंग होम एक्ट के तहत गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसकी मौके पर पहुंचकर दुर्ग जिला नर्सिंग होम एक्ट की टीम ने जांच की। इसके बाद भिलाई के 4 हॉस्पिटल से किए जा रहे कार्यों पर स्पष्टीकरण मांगा, जिसमें भिलाई गायत्री हॉस्पिटल, रैम्बो चिल्ड्रन हॉस्पिटल सहित अन्य 2 और हॉस्पिटल शामिल हैं। इस मामले में दुर्ग जिला नर्सिंग होम एक्ट नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल शुक्ला ने प्रतिक्रिया दी। आरोग्यम हॉस्पिटल जो कादम्बरी नगर में है, उसकी पिछले कई दिनों से शिकायतें लगातार आ रही थी और शिकायत जो है काफ़ी गंभीर थी, काफ़ी गंभीर मामला था। 13 वर्ष की बच्ची जो है वहाँ जहर खाने से उसकी डेथ हो गई थी, उसकी भी सूचना जो है समय पे नहीं दिया गया संबंधित पुलिस स्टेशन में। उसके बाद जो है आयुष्मान का उसको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन वो भी उसको नहीं मिला। उसे 1,15,000 रुपये लिया गया, जिसका कि प्रमाण उसके खुद पिताजी ने दिया, और फिर उससे लिखवा भी लिया गया जबरदस्ती दबाव दे करके कि हमने तुमसे कोई नगद नहीं लिया है। ये तो एक शिकायत थी, इस तरह की कई शिकायतें उनकी लगातार है, 2-3 प्रकरण में भी उनकी जांच भी चल रही है। और ये जो शिकायत थी, इसमें एक टीम गठित हुई थी, टीम जा करके जांच की, जांच में जो उन्होंने अभिमत दिया वो सही पाया गया और पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया, पूरा उनको समय दिया गया अपना जवाब प्रस्तुत करने में, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस संदर्भ में जितनी भी शिकायतें आई थी वो सही थी। तो उसके आधार पे उनका जो आयुष्मान का जो इम्प्लांट था उसको 1 वर्ष के लिए निरस्त कर दिया गया है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आयुष्मान वहाँ पे निरस्त इसलिए किया है क्योंकि नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा था, नियम का खुलेआम उल्लंघन हो रहा था। और इस तरह की जब बड़ी कार्रवाई किसी बड़े हॉस्पिटल में होती है तो स्वाभाविक है कि थोड़ा मरीज या उनके परिजन जो है चिंतित होते हैं, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि इस तरह की जो डायलिसिस की जो सुविधा है वो करीब 53 जगहों पे है, प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर को मिला करके। हमारे जिला अस्पताल में 5 डायलिसिस मशीन हैं, 3 जो है चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर में जिसमें पढ़ने हैं उसमें शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में 16 डायलिसिस मशीन है, 11 डायलिसिस मशीन मित्तल हॉस्पिटल में है, 10 डायलिसिस मशीन जो है वो हाईटेक हॉस्पिटल में है, और 8 डायलिसिस मशीन स्पर्श हॉस्पिटल में। तो कुल मिलाकर के 53 डायलिसिस मशीन है, इसलिए किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब जगह जा करके वो अपना लाभ ले सकते हैं, डायलिसिस करा सकते हैं। प्रधानमंत्री जो मुफ्त डायलिसिस जो योजना है उसके अंतर्गत 108 नंबर डायल करके वो घर बैठ करके जा करके अपना डायलिसिस करा सकते हैं, इसलिए किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो है भिलाई गायत्री हॉस्पिटल में आ रही है, जो प्रदर्शन नगर भिलाई में है, वहाँ हमने औचक निरीक्षण किया है टीम के साथ रात को 8 बजे। तो वहाँ ये पाया कि 13 मरीज एडमिट थे, जिसमें वो 3 फ्लोर का हॉस्पिटल है, जिसमें फर्स्ट फ्लोर में 7 मरीज थे और लगभग नीचे बाकी एडमिट थे, लेकिन वहाँ पे चिकित्सक के नाम पे आयुर्वेदिक 2 डॉक्टर पाए गए, जिसमें कि एक जो है उसकी इंटर्नशिप चल रही है राजीव लोचन आयुर्वेदिक कॉलेज से। तो ये बहुत ही बड़ा लापरवाही के उसमें श्रेणी में आता है, इसलिए हमने उनको नोटिस जारी किया है, और नोटिस का जवाब मिलने के बाद जो है
उसके पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। अगर कोई भी चीज़ किसी भी स्तर पे अगर गलत पाया जाएगा तो नियमानुसार कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी बड़ा हॉस्पिटल हो या छोटा। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।